और वो भी दूर दूर रहेंगे। अच्छा इंतज़ाम है यहाँ पर। मैं सभी अपने मुस्लिम भाइयों से अनुरोध करूँगा कि वो प्रशासन का साथ दें, बिल्कुल भी उनका बहिष्कार नहीं करें। नुकसान अपना ही होना है, अपन इंसानियत के दोस्त देंगे अपनी को अल्लाह पाक ने जो दुनिया में भेजा है इंसानों की रहनुमाई के लिए और फ़ायदे के लिए भेजा है। अगर हम ऐसा करेंगे कि प्रशासन को नुकसान पहुंचाएंगे तो ये अपने लिए बहुत बड़ी नुकसान की बात है। ये वबा को ऐसा ना समझें कि ये वबा जो हैगी ऐसी वैसी है। आप चाइना और इटली का बारे में सुनते ही होंगे कि कितनी खतरनाक है। ये देखिए, ये यहाँ से गैलरी है कि कमरा भी कितना अच्छा है और बाहर ये गार्डन है, वहाँ तक हमें घूमने की पूरी परमिशन है कि कोई दिक्कत नहीं है कि अगर वो देखो सामने दो लोग जा रहे हैं, हाँ यहाँ पे घूमो फिरो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से रहो। ये समझा ना, अपने घर से अच्छा माहौल है। घर में तो अपन कुंडे हुए थे कि एक छोटी सी जगह में थे, यहाँ पे ला के रखा है अपने को, नो टेंशन, खाना अपना आरिया पक पुका करके। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मैं नासिर अंसारी बोल रहा हूँ, मैं सूरतगंज में रहता हूँ और हम लोग, मैं और मेरा भाई, हम लोग 4 दिन से यहाँ पर है। तो शासन ने यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था करी हुई है रुकने की। मेरा आप सब लोग से गुजारिश है कि जो आपको प्रशासन बोल रहा है वहाँ से यहाँ आने के लिए, आप बेझिझक बिना डरे यहाँ आइए। यहाँ पर प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। खाने वगैरह में कोई प्रॉब्लम है? खाना वगैरह भी बिल्कुल टाइम पे सब कुछ मिल रहा है। बस मेरी आपसे यही गुजारिश है कि जो प्रशासन बोल रहा है ऐसा आप करके आइसोलेशन सेंटर में आइए, अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। ये वबा क्या एक अफवाह है या हकीकत है, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? आप फार्मेसी कहेंगे, आप ज़्यादा जानते हैं। ये जो है ये ऐसी बीमारी है जिसका जो कि एक दूसरे से छूने, एक दूसरे को छूने से फैलती है। तो उसके लिए जो बचाव का तरीका ये है कि हम जितनी ज़्यादा हमारी सोसाइटी से, हमारे मोहल्ले से बाहर निकलेंगे, उतना ज़्यादा जो दूसरा लोग हैं वो उसको फैलने से बचेंगे। तो एक तरह से ये बीमारी को फैलने से बचाने का तरीका है जो कि गवर्नमेंट ने किया है। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जो जो भी परिवार इससे संक्रमित है वो आइसोलेशन सेंटर में आए और बाकी लोगों को भी इस बीमारी से संक्रमित होने से बचाएं।